गाजा पर लगातार बम बरस रहे हैं। लेबनान सीमा पर आतंकी हिजबुल्ला युद्ध में उतर चुका है। यमन के हूथी विद्रोही भी इजराइल पर लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इजराइल को घेरने को लेकर ऐसा प्लान तैयार हो चुका है जिसे किसी ने नहीं सोचा था। 57 मुस्लिम देश एक हो चुके हैं, शिया और सुन्नी दोनों एक हो गए हैं, और अब उनका मकसद सिर्फ एक है, इजराइल को खत्म करना। इजराइल हमास जंग ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, या यूं कहें कि साफ नजर आने लगा है कि कौन फिलिस्तीन की तरफ है और कौन इजराइल की तरफ। क्योंकि चीन, रूस, ईरान और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों ने खुलकर इजराइल का विरोध किया है, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश हमास के अंत के नाम पर इजराइल के साथ खड़े नजर आए। यानी यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में जो दो खेमे बने वो इजराइल और हमास की जंग के बाद और साफ नजर आने लगे। यानी इजराइल जंग ने विश्व युद्ध का माहौल बना दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ही विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन उस समय पश्चिम एशिया के मुस्लिम मुल्क खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन हमास और इजराइल की जंग ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जिससे अमेरिका का नुकसान होने लगा। यही नहीं, इजराइल जंग की वजह से दो दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब एक हो गए हैं। गाजा में जारी भीषण संघर्ष के बीच सऊदी अरब के रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक में तुरंत संघर्ष विराम और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान की मांग की गई है। पश्चिम एशिया और इस्लामिक देशों के नेताओं ने इजराइल की आलोचना की और गाजा पर तुरंत हमले रोकने का आह्वान किया। वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की मांग की। कुछ देशों ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध रोकने का प्रस्ताव भी दिया, हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी हुआ। इस बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के अलावा अरब लीग देशों के नेता भी शामिल हुए। यही नहीं, लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया और गाजा में लोगों के नरसंहार के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। सूरत कुछ ऐसी है, इजराइल के साथ अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यानी आधी दुनिया इजराइल के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ चीन और रूस तो हैं ही, साथ ही फिलिस्तीन के नाम पर कई इस्लामिक देश ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है, अगर जंग नहीं रुकी तो विश्व युद्ध होना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक कर कई देश इजराइल हमास युद्ध में कूद चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने एक बार फिर सीज फायर करने से इनकार कर दिया। यानी इजराइल के तेवर साफ है, वो ऐसे किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है जो उन पर हमला करेगा, फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान और तुर्की। किसी ने भी अगर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल पलटवार करने में देरी नहीं करेगा।